हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन अनमोल शुक्ला। जी हाँ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ मैन अनमोल शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनमोल शुक्ला, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की आरटी शर्मा, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे चैप्टर 1 सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया है। इसके पहले हमने काफी सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, हमने बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर किया है और अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं या मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और आप सेट थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखने के बाद ही में यहां से कंटिन्यू करेंगे, तो आपको चीजें और ज्यादा और बेटर तरीके से क्लियर होंगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे जिसकी वजह से वीडियो मेरा सडनली बंद हो गया था और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो हम मैं लेक्चर 7 के बाद से ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 1.4 और जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आपके पास में एक सेट है, आपके पास में एक सेट है, सेट के एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 एक सेट के फॉर्म में, सेट के अंदर एक सेट के फॉर्म में, 4, 5 अलग एक सेट बना के अंदर है और 6, 7, 8 एक अलग हमारा एलिमेंट है। हमसे ये बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो ये 7 के सारे पार्ट्स गिवन है, ये सारे पार्ट्स आपको देख के ये बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑलरेडी मैं आपको जो पुराने वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूँ बिलोंग टू और सबसेट में डिफरेंस क्या होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस को लेके हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से क्या बोलता हूँ, कोई एलिमेंट जो होता है वो सेट में बिलोंग करता है, अगर वो एलिमेंट सेट के फॉर्म में लिखा गया है तो कभी बिलोंग नहीं करेगा, वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना, चलो बात करता हूँ। तो पहला पार्ट कह रहा है कि 1 बिलोंग टू ए, कह रहा है 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 1 जो है वो सेट ए में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है, लेकिन 1 अकेला नहीं दिख रहा है, 1 के साथ में 1, 2, 3 एक सेट के फॉर्म में अंदर दिख रहा है, सेट के अंदर एक सेट और दिख रहा है जिसके अंदर है 1, 2, 3। तो 1 तो अकेला नहीं है, तो अगर हम 1 के बारे में लिखेंगे 1 बिलोंग टू ए तो ये बात मेरी गलत हो गई। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, आगे बात करता हूँ। अगर ये सेट कुछ ऐसा लिखा होता, यहाँ पे ये ऐसे लिखा होता तो हमारा ये स्टेटमेंट सही था, क्योंकि 1 अब एक अकेला एलिमेंट हो गया जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, जो हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट सिनेरियो जो क्वेश्चन में चल रहा है उसमें कुछ ऐसे करके लिखा गया है, तो 1 के साथ में 1, 2, और 3 पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर अगला पार्ट क्या है, मेरा अगला पार्ट है 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए। अब आप बोलेंगे सर 1, 2, 3 तो पूरा का पूरा क्या है, हमारा एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, और ये क्या साइन लगा हुआ है, सबसेट का लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता कि 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए तो ये पार्ट मेरा सही होता। ठीक है, क्यों सही होता, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और कोई एलिमेंट किसी सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। एलिमेंट क्या है, देखो पूरा पूरा यहाँ आपको दिख रहा है ना, तो ये पूरा एलिमेंट हो गया। और अगर इस पार्ट को हमें सही करना होता तो एक तरीका और था, क्या हमारे पास में था, ये कुछ ऐसे लिखा होता 1, 2, 3 मतलब सबसेट सेट के अंदर एक सेट और, ये एक सेट हो गया, सेट के अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट को सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारा अब सबसेट हो जाता ए का। मेरी बात क्लियर होगी, आगे बात करता हूँ। पार्ट नंबर 3 पे आता हूँ। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, 6, 7, 8 लिखे हुए और ये एक सेट के फॉर्म में और कह रहे हैं बिलोंग कर रहा है ए में। तो बिलोंग कब करता है, जब एलिमेंट होता है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या 6, 7, 8 हमारे एलिमेंट हैं। तो देखते हैं, सेट के अंदर एक एलिमेंट दिख रहा है 6, 7, 8, तो एलिमेंट हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है। क्लियर है, चलो आगे बात करता हूँ। फोर्थ पार्ट में कह रहा 4, 5 एलिमेंट है, एलिमेंट एक सेट के अंदर है और फिर से एक सेट लगा हुआ है। ढूंढते हैं 4, 5 कहाँ पे, 4, 5 यहाँ पे है, तो जो हमारा 4, 5 लगा हुआ है सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एक एलिमेंट हो गया, इतना पार्ट अंदर का एलिमेंट हो गया और इसको हमने एक सेट के अंदर बंद कर लिया, तो अब ये हमारा सबसेट है, मतलब कि फोर्थ पार्ट भी हमारा ट्रू है। फिफ्थ पार्ट में आते हैं, मैंने हमेशा बताया कि जो फाइव होता है ना, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि फाइव सबसेट सारे सेट का एलिमेंट होता है, मैंने कहीं नहीं बोला है, अगर आपने पढ़ा है तो गलत पढ़ा होगा। ठीक है, तो फाइव किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता है, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सही है और ये पार्ट गलत है, क्योंकि फाइव बिलोंग कर रहा है ए में और फाइव बिलोंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कहीं पर फाइव नहीं दिख रहा है हमें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट क्लियर होंगे, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास में एक सेट गिवन है, ठीक है। सेट के एलिमेंट क्या क्या है मैं आइडेंटिफाई करवाता हूँ। पहला एलिमेंट है 5, दूसरा भी एलिमेंट 5 है लेकिन वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मतलब सेट के फॉर्म में लिखा गया है। तीसरा एलिमेंट मेरा 1 है, चौथा एलिमेंट 1 और 5 ये हो गया, और पांचवा एलिमेंट क्या है मेरा 2 हो गया। ये एक सेट गिवन है। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट गिवन है, इसके कुछ पार्ट्स आपके सामने लिखे गए हैं और आपको ये बताना है कि ये जो पार्ट्स लिखे गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फिलहाल तो ट्रू आइडेंटिफाई करना है क्योंकि क्वेश्चन में ट्रू पूछा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। फिर से भी रूल वही है कि कोई एलिमेंट होगा तो वो सेट में बिलोंग करेगा, और एलिमेंट सेट के फॉर्म में लिखा गया है, एलिमेंट सेट के फॉर्म में लिखा गया है तो वो सबसेट होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो बात करते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है? इसका पहला पार्ट 5 बिलोंग टू ए, कह रहा है 5 बिलोंग कर रहा है ए में, ये बोला है। तो क्या 5 एलिमेंट है? बिल्कुल एलिमेंट है, मतलब कि ये पार्ट तो मेरा ट्रू हो गया, क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है कि 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और कह रहा है बिलोंग कर रहा है ए में, क्या ये एलिमेंट यहाँ पे है? देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम एलिमेंट है, मतलब कि ये भी हमारा बिलोंग करेगा ए में। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, आगे बात करता हूँ। तो ये भी मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 1 को एक सेट के फॉर्म में लिखा गया, अब कह रहा है बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन यहाँ पे देखो 1 कैसे लिखा हुआ है, 1 तो अकेला लिखा हुआ है ना, 1 ने क्या कहीं कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है? 1 ने कुछ कपड़े वपड़े पहने? नहीं पहने ना, ऐसे ही बैठा हुआ है। तो जब 1 सिंगल है ऐसे ही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कैसे लग गया भाई? नहीं लगना चाहिए था, इसको कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए था 1, और सिर्फ लिखा होना चाहिए था बिलोंग टू ए, ये लिखा होना चाहिए था ना, तो ये गलत हो गया। अगर इसको सही करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये लिखना था तो सही होना था, क्योंकि अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट को मैंने सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो वो जो सेट होगा वो सेट में बिलोंग करेगा, सॉरी सबसेट होगा। इतना क्लियर हो गया, आगे बात करता हूँ मैं। तो इसको आप कर रहा हूँ, ये मेरा फोर्थ हो गया। फोर्थ पार्ट में आता हूँ, 2, 5। अब कह रहे हैं 2 और 5 दोनों एलिमेंट को लेके इन्होंने एक सेट बना दिया, कह रहे हैं कि क्या वो सबसेट है ए का? तो देखते हैं, 2 यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों एलिमेंट को लेके कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। तो जब एलिमेंट को लेके कर्ली ब्रैकेट बंद किया तो वो हमेशा क्या होते हैं? सबसेट होते हैं उस सेट के, मतलब कि ये पार्ट हमारा सही है, क्लियर। अगर सबसेट की चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं या बिलोंग टू क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे पुराने वीडियोस फिर से देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी अदर सोर्स का यूज नहीं करना है, कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि आप एनसीईआरटी सॉल्व करें या कोई और पार्ट यूज करें। मैं बिल्कुल वो बेसिक फंडामेंटल चीजें लेके पढ़ा रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेंगे। तो मेरे लेक्चर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आगे बात करता हूँ। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 2 इज द सबसेट ऑफ ए, कह रहा है 2 सबसेट हो गया ए का। पहली बार तो देखने में गलत लग रहा है, क्योंकि सबसेट तभी होगा जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया होगा। तो वैसे भी देख लो 2 यहाँ पे क्या है, 2 एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है। तो इसका सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए था? इसका सही फॉर्मेट या तो ये होना चाहिए था कि 2 इज द सबसेट ऑफ ए, और दूसरा सही फॉर्मेट ये होना चाहिए था कि 2 बिलोंग कर रहा है ए में। तो इन दोनों में से कोई एक होता तो 2 होता, लेकिन दोनों यहाँ पे नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, क्लियर हो गया। हम इसके 7th पार्ट को समझते हैं। 7th पार्ट क्या बोल रहे हैं? कह रहे 2 और एलिमेंट 1, देखो 2 यहाँ पे देखो क्या है, 2 क्या है? सिर्फ 2 है ना हमारा, ओनली 2। और कह रहा 1 एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये तो गलत हो गया। और कह रहा ये सबसेट नहीं होगा ए का, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये फॉल्स नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 एक एलिमेंट है, दिख रहा है, ठीक है, 1 एक एलिमेंट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया गया है। तो ये जो कंडीशन दी गई बिल्कुल सही है, ये कंडीशन गलत है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 7th पार्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है 2, अब देखो 2 फिर से वैसे ही आ गया, कह रहा है 2 एक एलिमेंट था, यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया? सेट के फॉर्म में आ गया। अब कह रहा है 1 भी किस फॉर्म में आ गया? सेट के फॉर्म में आ गया, और ये सबसेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, एलिमेंट ही गलत यूज किया गया है, मतलब जो दी गई कंडीशन है वो क्या हो गई हमारी? सही हो गई। आगे बात करते हैं इसकी 8th पार्ट में, कह रहा है कि 5, बहुत ध्यान था ना, 5 कहाँ पे है? 5 एक एलिमेंट है मेरा, ठीक है, एलिमेंट है मेरा, कह रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 मेरा एक एलिमेंट है, बिल्कुल एक एलिमेंट है। फिर कह रहा है 1, 5, क्या ये एलिमेंट यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सारे एलिमेंट को लिखने के बाद मैंने एक सेट के अंदर बंद कर लिया, तो मतलब कि अब वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, क्लियर होगा उम्मीद है।
फिर क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 दिख रहा है, उसको हमने एक सेट के अंदर बंद कर लिया, कह रहा है वो सबसेट होगा A का। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो अब बिलोंग्स टू और सबसेट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिलोंग्स टू वहाँ का यूज, वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा होगा, और सबसेट का यूज वहाँ करेंगे जब एलिमेंट को हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो वो उस पर्टिकुलर सेट में, उस पर्टिकुलर सेट का सबसेट कहलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि हमारे पास में कुछ पार्ट्स गिवन है जिनमें कि कुछ सेट आपको दिख रहे होंगे, इन सारे सेट का क्या बनाना है हमें? इन सारे सेट का हमें सबसेट बनाना है। तो सबसेट बनाना बहुत इजी, मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसेट का किसी सेट का सबसेट कैसे बनाएंगे? देखो सेट का एलिमेंट क्या हो गया? ए हो गया। मैंने बोला था 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये स्टेटमेंट मेरा याद होगा, नहीं याद है तो इसको कहीं लिख के चिपका लीजिए सामने कि 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो चलो देखते हैं, तो इसके सबसेट लिखना है तो सबसे पहले लिखिए तो 5 लिख दो, कि 5 तो इसका सबसेट होना है, 5 इसके नहीं, 5 इसका भी होगा, और 5 हमारा इसका भी होगा, और 5 हमारा इसका भी होगा, और 5 हमारा इसका भी होगा। जितने भी सेट हमारे दिए गए उनका एक सबसेट तो 5 होना ही होना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका दूसरा एलिमेंट क्या होगा, तो दूसरा एलिमेंट इसका हो जाएगा सिर्फ वही सेट जो खुद इटसेल्फ है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। इसकी बात करता हूँ तो इसमें पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसका एक सबसेट? 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 0,1 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझना, पैटर्न क्या होता है सबसेट को लिखने का? सबसेट को लिखने का बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है कि सबसे पहले उसका एक सबसेट होगा 5, फिर उसके पहले एलिमेंट को लिखना है अकेले, फिर उसके दूसरे एलिमेंट को लिखना है अकेले, और फिर दोनों को एक साथ लिखना है। बात मेरी क्लियर होगी? सारी पेयरिंग बनाना है, जितनी पॉसिबल पेयरिंग हमें मिलेंगी। फिर एबीसी का देखते हैं, तो मैंने बताया पहला तो 5 होना है क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो पहले ए हो जाएगा, मैंने क्या बोला पहले पहला एलिमेंट, फिर क्या हो जाएगा? फिर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। अब मैंने बोला जितने भी पॉसिबल पेयरिंग होगी, तो चलो इनके एलिमेंट की पॉसिबल पेयरिंग देखते हैं क्या क्या होगी। तो शायद एक ए बी हो जाएगी, फिर दूसरी हमारी ए और सी हो जाएगी, फिर हमारी बी और सी हो जाएगी, और फिर हमारी ए बी सी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर है? 8 निकालना सबको आ गया, क्योंकि सबसेट आपको मालूम है। सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई? 3, तो 2 की पावर 3 = 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सबसेट कितने निकल के आ गए? 8 सबसेट निकल के आ गए। फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ, तो मैंने बोला 5 क्या होता है? सबका सबसेट होता है, तो मैंने इसका भी एक सबसेट क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब क्या बने वो? बोला सारे एलिमेंट को अकेले अकेले। फिर हम लिखेंगे सबसे पहले मेरा 1 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया? अब देखो 1 के अंदर मतलब 1 एक कर्ली ब्रैकेट में, उसको फिर से एक सेट बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर दोनों के एक साथ लिखेंगे क्या क्या? 1 और 1, ठीक है। आगे बात करता हूँ, 5 है, तो 5 को तो मैंने बोला कि 5 सबका सबसेट होता है, और ये एक एलिमेंट खुद हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 9 कम्प्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। आगे बात करता हूँ मैं, क्लियर है? ये मैं बोला था ये तो 5, इसमें तो कुछ है नहीं, ये एक एलिमेंट है, इसको एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो ये 1 है ना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1, और 2 की पावर 1 = 2, तो देखो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? 2 आ गए, क्लियर है। इसी तरह इसको देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये, तो 2 की पावर 2 = 4, 1, 2, 3, 4, क्लियर हो गया मेरी बात? ये 4 लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। इसी तरह इसका हमने निकाल के दिखा दिया, इसका देखते हैं 2 की पावर 2 = 4, क्योंकि 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो गया, ठीक है ना। तो वैसे सिमिलरली वो भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे पास में 3 सेट दिए गए हैं, तीनों सेट में हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है प्रॉपर सबसेट निकालना है। अब प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले तुमको याद होना चाहिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n - 1। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सपोज दैट हमारे पास में एक सेट ए गिवन है, हमने माना सेट ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसके सबसेट लिखिए, मैं प्रॉपर सबसेट की बात नहीं करूँ, मैं बात करूँ सबसेट की। तो अभी अभी आपने सीखा कि सबसेट क्या हो जाएगा? ए इसका सबसेट हो जाएगा 5, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सबसेट की, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे? ये 5 हो जाएगा, फिर हमारा ए हो जाएगा, फिर हमारा बी हो जाएगा, और फिर हमारा ए बी हो जाएगा, यही हमारे सबसेट हो जाएंगे। मैंने बोला सबसेट निकालने के लिए उस सेट के सारे एलिमेंट को पहले अलग अलग करके लिखना है, फिर जो उनके एलिमेंट्स के आपस में पेयरिंग हो सकती है हमको उनको लिखना है। तो मैंने पहले 5 लिखा, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को याद रखना। फिर हमने क्या बोला? ए हमारा निकल के आ गया, फिर बी निकल के आ गया, फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख लिया, यही बोला मैंने। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको प्रॉपर सबसेट लिखना है,
तो प्रॉपर सबसेट के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा और वो जो सेट इटसेल्फ होगा उसको माइनस कर देंगे, मतलब कि टोटल जितने भी सबसेट आएंगे उसमें से वो जो सेट लिखा होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये एक एलिमेंट है, इसीलिए फॉर्मूले में 2n-1 लिखते हैं। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे। हमारे पास में क्या क्या है, 1, 2 है। हमें बोला सबसेट लिखना है, सिर्फ वो सेट नहीं लिखना है, प्रॉपर सबसेट में, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 हो जाएगा, ठीक। 5 के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आप बोलोगे सर 1, 2 लिखेंगे, 1, 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने बोला कि लास्ट वाला एलिमेंट जो सेट होता है उसको हम नहीं लिखते, कहाँ पे, प्रॉपर सबसेट में हम नहीं लिखते। आगे बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th के सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले तो मेरा 5 आ जाएगा, फिर सारे एलिमेंट अलग अलग, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया, फिर सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, 1, 2 हो गया, फिर हमारा 1, 3 हो गया, फिर हमारा 2 और 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये मैं बोला सर 1, 2, 3 बनेगा, 1, 2, 3 नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट जो हमारा लास्ट सेट निकल के आता है सबसेट में उसको माइनस कर देते हैं, वो नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। कोई भी सेट खुद का सबसेट नहीं होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, इसकी बात करता हूँ 1 की, 1 में 1, 5 हो जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, तो इसमें सिर्फ 5 आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2n-1। तो 2n की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 1-1, तो 2-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। एक सेट निकल गया, इसके लिए अगर हमने निकाला फॉर्मूला क्या होगा, तो 2n और n की वैल्यू कितनी, 1, 2, 3, तो 2n-3-1, तो 2n, 8-1 कितना आ गया, 7। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, उसका फॉर्मूला आप लिख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 10 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है, बहुत ध्यान सुना, अभी मैंने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 10 में, वही क्वेश्चन नंबर 11 बोला है। क्या बोला है कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है, तो उस सेट का प्रॉपर सबसेट कितना होगा, उस सेट का जब प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। बहुत सिंपल था है कि अगर हमारे पास में एक कोई सेट है, मैंने अभी बताया इसके एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो इसके जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे, बात ध्यान देना, हमने क्या बताया 2n-1 ये बनेगा, तो क्योंकि n होता है, n की वैल्यू 2, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2। तो अब जरा एक चीज बताओ, कोई एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, कितने हैं, n है, तो इसका जो प्रॉपर सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2n-1। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, बस इतनी सी डिटेल छोटी सी लिखना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर किसी सेट का सबसेट निकालना है तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट में आएंगे वो 2n आएगा, और अगर हमें किसी सेट का प्रॉपर सबसेट निकालना है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2n-1 आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इफ ए इज एनी सेट, कोई ए एक सेट है, कुछ भी है, इससे मतलब नहीं क्या है, ए हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और बोल रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ 5। अब कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ 5, और आपको प्रूफ ये करना है कि दिस इंप्लाई दैट कि ए इज इक्वल टू 5, कि ए किससे इक्वल होगा, 5 इक्वल होगा। तो इसको पढ़ने के पहले, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसको पढ़ने के पहले मैं कुछ बेसिक बताता हूँ, उसको समझना पहले, ठीक है ना। पहले बेसिक एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, अगर एक ए एक सेट है, ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट का मतलब मालूम है कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, बी के अंदर है, और ए बी के इक्वल भी हो सकता है या होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, अब मेरी बात ध्यान सुनना। और अगर मैं ये लिख दूं बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब हो गया बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं और ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। मेरी बात सुनना, जितने पैसे मेरे पास में हैं उतने पैसे आपके पास में हैं, जितने पैसे आपके पास में उतने पैसे मेरे पास में, बराबर हो गया ना, तो हम दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए भाई। तो अगर a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू b, यही होगा ना, ये होगा। अब जरा अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि a इज द सबसेट ऑफ 5, मतलब a के सारे एलिमेंट कहाँ है, 5 में, 5 में तो कुछ नहीं होता है, 5 में कुछ नहीं होता है, मतलब a में भी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। अगर a सबसेट है 5 का
तो आपको अभी अभी बताया हूं कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए, बताया फाई सारे सेट का सबसेट होता है। तो एक चीज बताओ, जब ए फाई का सबसेट है, फाई ए का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू फाई, ए फाई के इक्वल हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन कोई दम नहीं थी, बेकार सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। तो 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखो जो गिवन कंडीशन पहले उसको लेते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बोला बी इज द सबसेट ऑफ सी, अब कह रहा है जो बी है इज द सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ दिख रहे हैं, सी में दिख रहे हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट सी में दिख रहे हैं, और आगे क्या बोला है सी इज द सबसेट ऑफ ए, और कह रहा है सी के सारे एलिमेंट्स ए में दिख रहे हैं। मतलब कि ये हुआ मैं ए हूँ अनमोल, आप बी हैं, क्या नाम है पता नहीं आपका, आपके फ्रेंड का नाम सी है, तो ए बी और सी जितने पैसे मेरे पास में है उतने आपके पास में है, ठीक, जितने आपके पास में उतने आपके फ्रेंड के पास में है, और जितने आपके फ्रेंड के पास में उतने मेरे पास में है, तो भाई साहब हम तीनों के पैसे क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स हमें सी में दिख रहे हैं, और सी के सारे एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं, ए में दिख रहे हैं। तो इसको मैं पता है सबसे सिंपल वे में क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंपल वे में ये लिख सकता हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी एंड सी इज द सबसेट ऑफ ए, लिख सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करता है कि भैया ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, सी ए के इक्वल है, ए फिर ए के इक्वल हो गया, तो मतलब कि ए इज इक्वल टू सी, ए और सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही क्वेश्चन नंबर 13 में आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जब क्वेश्चन दमदार आएंगे तो मैं बताऊंगा कि इन क्वेश्चन में दम है, इनमें तो अभी कोई दम नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 वाले ये कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, आपको निकालना है कि कोई एक सेट है उसका जब हम पावर सेट निकालेंगे, मैं प्रॉपर सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर सेट की बात कर रहा हूँ, तो कोई एलिमेंट कोई सेट ए है, जब उसका पावर सेट निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, अगर एक कंडीशन गिवन है, कंडीशन ये गिवन है इफ ए इज इक्वल टू फाइव, यही दिया गया है क्वेश्चन को। या देखो क्वेश्चन पता है क्या है, रटना नहीं है, ये नहीं देखना है कि सर ने कैसे बताया, हमको ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन को, ना समझना है, जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे ही उसको लिखना है, और जो दिमाग में थॉट निकलते जा रहे हैं ना क्वेश्चन के लिए उनको लिखते हुए चले जाना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और थॉट तभी निकलेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, कह रहा है कि आपको पावर सेट निकालना है ए का, ठीक है, और ए इज इक्वल टू फाइव। अब ए इक्वल टू फाइव का मतलब क्या हो गया, कि ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज एन एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट हो गया ए एक एम्प्टी सेट हो गया, ये बोले। अब अगर ए एम्प्टी सेट हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने जाएंगे, जीरो जाएंगे ना। जब ए एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो जाएंगे। हमें कैसे मालूम पड़ा एम्प्टी सेट है, क्योंकि कंडीशन गिवन है ना ए इज इक्वल टू फाइव। अब अगली बात सुनना मेरी, हमको आपका पावर सेट निकालने का भी फॉर्मूला मैं पीछे बताया, नहीं याद है तो मैं फिर से बताता हूँ। पावर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2D पावर m, जो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है वही पावर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2D पावर n, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, जीरो, तो इसका मतलब हो गया इट विल बी 2D पावर 0, और जब 2D पावर 0 तो इसका मतलब हो गया 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर होगा आपको, नहीं क्लियर है कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करिए, जो भी आपको क्वेरी है आप पूछिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, इन दो स्टेटमेंट के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो पीछे करें, ये नहीं इसके बाद वाला, ठीक है ना, इसमें इसके पहले वाला। अब कह रहा है कि क्वेश्चन है 15 का पहला पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पूरा का पूरा जिसमें सब आ जाए। तो जरा देखो, हमने किसी प्लेन में, प्लेन मालूम है, हमने किसी प्लेन में कुछ ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, और कुछ नहीं सारे ट्रायंगल, जितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं हमने उनको ड्रॉ कर लिया,
तो जरा एक चीज बताइए, जब हमने किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए तो क्या उसमें राइट ट्रायंगल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन में हमने जब सारे के सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए तो वो जो सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, यही सेट इसके लिए भी होगा। क्यों? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो यहाँ आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपसे ये बोला कि हमें एक बॉक्स रखना है जिसमें सारे ट्रायंगल हों, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल पड़ा है, स्केलन ट्रायंगल पड़ा है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल पड़ा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पड़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स पड़े हुए उसमें। अब हमने कहा उसमें से एक सेट बनाना है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ऐसा सेट बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल का सेट किससे बनाए? उसका कोई माई बाप होगा ना। तो माई बाप कौन है? वो बॉक्स है ना। तो वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, उसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं। अब सारे ट्रायंगल का जब उसमें सेट है तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ बॉक्स हटा देते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लेन ले लेते हैं। प्लेन हमने बनाया, ठीक है। अब प्लेन उसकी बात नहीं करो, प्लेन आप अंडरस्टूड है। सिमिलरली द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या भाई, गत्ते में मैंने क्या रखा था, एक डब्बा लिया था ना मैंने, कार्टन लिया था, उस कार्टन में मैंने क्या किया, सारे ट्रायंगल लाके रख दिए थे, उसमें से मैंने ट्रायंगल निकाले, और कौन से ट्रायंगल निकाले, आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाले। तो इसके लिए भी जो माई बाप है वो वही कार्टन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्टन में सारे ट्रायंगल हैं, तो इसके लिए भी यही यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, इजी क्वेश्चन था, कोई दम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 लेवल 2 देख के घबराना नहीं, बहुत बकवास सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमारे पास में दो सेट है, एक सेट एक्स और दूसरा सेट हमारे पास में क्या है, वाई है। अब दोनों सेट में हमारे पास में कुछ कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, एक इक्वेशन जैसी दिख रही 8n-7n-1 such that n belong to natural number, n कहाँ belong कर रहा है, natural number, मतलब जो ये स्मॉल n देख रहा है ना, ये स्मॉल n सारे के सारे belong कर रहे हैं, natural number belong कर रहे हैं। एक सेट x है हमारे पास में और दूसरा सेट y है हमारे पास में। हमको ये प्रूफ करना है कि x is the subset of y, हमको ये प्रूफ करना है कि x is the subset of y। बात मुझे क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ लिया, आडी शर्मा लेके बैठना भाई, तो बैठा मत करना है, मेरे ऊपर डिपेंड लो, आडी शर्मा में तो क्वेश्चन देखोगे ना तभी तो समझ में आएगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैंने हमेशा एक चीज सिर्फ अपने बच्चों को सिखाया है कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, जो कंडीशन दी गई है उसको लिखना है और बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। कोई टीचर आपको क्या पढ़ाता है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो दिखाता हूँ मैं, समझना, लेवल टू देख के घबराना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बकवास सा क्वेश्चन है। देखते हैं, कह रहे हैं कि एक सेट एक्स है, एक्स गिवन है, यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एक्स कह रहा है 8n-7n-1 और कह रहा है सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये कह रहे हैं एन कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में ना। अगर एन बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में तो इसका मतलब ये हो गया कि एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 यही वैल्यूज होंगी, यही वैल्यूज होंगी ना। ठीक है, हम सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे एक्स क्या निकल के आ रहा है। एट एन इज इक्वल टू 1, हमने एन की वैल्यू सबसे पहले क्या लिया, 1, एन क्या हो गया 1। तो हमारे पास में जो सेट एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 8n-7n-1-1 यही बनेगा ना। अब ये क्या निकल के आ जाएगा, 8n-1 हो जाएगा, -7-1 क्या आ गया, 0। मतलब x का पहला एलिमेंट क्या निकल के आ गया, 0, कब, जब n इज इक्वल टू 1 रखा। ठीक है, फिर हमने n इज इक्वल टू 2 रखा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8n-7n-2-1। देखो जहाँ जहाँ पे n दिख रहा है ना वहाँ 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 पे हमने 2 रखा क्योंकि n इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया हमने। ठीक है, आगे बात करता हूँ, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, -7 = 14 -1, इसको सॉल्व किया पूरा, ये हमारा सॉल्व किया 49, ये कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 3 लिया हमने, हमारे नेचुरल नंबर ना सारे नहीं लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं 3 n की वैल्यू 1, 2, 3 तक लेके जाऊँगा। ठीक है ना, आपको भी 3 तक ही लेके चलना है, सारे नहीं लेके चलना है। 3 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8n-7n-3-1, इसको सॉल्व किया तो ये टोटल सॉल्व हो गया आ जाएगा 490, कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो सेट x निकल के आया ना,
कब, जब हमने n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिया तो क्या निकल के आया, हमारे पास 0 निकल के आया, 49 निकल के आया, 490 निकल के आया, और ऐसे ही वैल्यूज निकल के आएंगी आएंगी। इन सारी वैल्यूज को देखने के बाद क्या लग रहा है, इन सारी वैल्यूज को देखने के बाद ये लग रहा है कि जितने भी नंबर हमारे पास सेट x में दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर 49 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं ना। देखो ना, जीरो डिवाइड हो रहा है 49 से, 49 में डिवाइड हो रहा है, 490 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आने वाला हर एक नंबर क्या होगा, 49 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है सेट x इज डिविजिबल बाय 49, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी सेट x को लेके। ठीक, अब मैं सेट y के ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रब करता हूँ मैं, y के ऊपर काम करते हैं। y क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 49 n माइनस 1 और सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर से वही कंडीशन, n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में ना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, n की वैल्यू क्या क्या हो गई, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यही बढ़ेंगे हमारे नंबर। तो चलो n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। जब n की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी 49 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 0 आ गई। आगे आगे बात करते हैं, जब हमने n की वैल्यू 2 लिया तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 49 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 49 निकल के आ जाएगा। फिर जब हमने n की वैल्यू 3 रखा तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू निकल के आएगा 49, जहाँ पे n है वहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 1, इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा निकल के आ जाएगा 98, यही वैल्यू निकल के आएंगी। अब मेरी बात सुनना, सेट y क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, दूसरा एलिमेंट 49, फिर 98 और ऐसे ही एलिमेंट निकलेंगे। इसको देख के क्या लग रहा है, ये क्या है, ये 49 के मल्टीपल चल रहा है ना, 49 इंटू 0 0, 49 इंटू 1 49, 49 इंटू 2 98, 49 इंटू 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो हम लिख सकते हैं सेट y इज मल्टीपल ऑफ 49। इतनी बात मेरी क्लियर हुई, अब तो भाई बोल दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो x के जो एलिमेंट थे वो 0, 49, 490, मतलब जो 49 से डिवाइड हो रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट y में दिखेंगे कि नहीं। देखो 0 भी दिख रहा है, 49 भी दिख रहा है, आगे जा के 490 भी आएगा, आएगा ना, क्योंकि 49 10 जा 490 होता है ना, तो यहाँ मल्टीपल चल रहा है, 49 इंटू 0 1 जा 2 जा 3 जा, वैसे 10 जा आएगा, 490 दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि सेट x इज द सबसेट ऑफ सेट y। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.4 आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो दे ही देना मुझे, ठीक है ना। तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बूस्ट अप होगा, क्योंकि कमरे के अंदर बंद होकर कैमरे के सामने पढ़ाना बहुत डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई अदर सोर्स का यूज़ ना करना पड़े। मेरे लेक्चर फॉलो करने के बाद आपको 110% है कि मैथ तो समझ में आनी ही आनी है, तो ठीक है ना। मुझे आप बिलीव करिए मेरे ऊपर, मेरे लेक्चर को फॉलो करिए, और फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं आपके उनको भी रिकमेंड करिए मेरे लेक्चर को, थोड़ा सा व्यूज वगैरह बढ़ने चाहिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले कॉन्सेप्ट को, अगले एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं अगले वीडियो में हमारे।